एक हृदय नाल अबू बकर सिद्दीक को बाप लेके जाता है बुतखाने में, कहते है बेटा आओ आज मैं तुको दसम एस्ते हाजत रवा मुश्किल कुशा कारसाज दस्तगीर एक केड़ा औलाद दें दे केड़ा बुखार दूर कर दे केड़ा दौलत दें दे केड़ा ब्याह कराल दे केड़ा जुदाइयां पा दे केड़ा बारिश पर आंदे केड़ा अनाज उगांदे आ मैं तुको आज अपने खुदा का तारफ करा ला जी तुसी अपने जनक को नाल कहन के मसीती को आण दे हो आ यार जरा देखा नमाज किया पढ़ते मौली साहब के कर देन मसल्ला के जो होंगे मसीद की जी होंगी है आओ जरा मस्जिद को जाते हैं सुनो सैयदना सिद्दीक अकबर उम्र 4 साल बाप ने उंगली से लगाया बुतखाने में ले आए अल्लाह अकबर तारफ करा लिया अबू बकर थे हजरत अबू बकर सिद्दीक आख्या पिया जरा तू बाहर कदे जुलदा रहे में अब्बा जान आप जरा बाहर तशरीफ ले जाए ना मैं इन खुदाओं से जरा खिलवत में बातें करना चाहता हूं। खुदा नाल आदमी तनाई में गला करते ना ते आखना लगे मैं भी इन खुदाओं से जरा राजो न्याज की बातें करना चाहता हूं। सुनो निके जे जनकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला सवाल किया बाप चला गया खुश हो गया कि कितना मेरा अच्छा नेक बच्चा है और ओनहार है और ये खुदाओं से खिलवत में बातें करना चाहता है राजो न्याज की बाप खुश हुआ। अल्लाहु अकबर किताबों में लिखा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो उनके सामने खड़े हो गए खड़े होके एक बुत से कहते हैं एक बुत से कहते हैं इन्नी जाय उन फतेमनी इन्नी जाय उन फतेमनी मैं भूखा हूं जरा मुझे खाना तो दे दे इन मैं प्यासा हूं मुझे जरा पानी भी दे दे इन्नी इन्नी हार उन फक्सनी मुझे जरा कपड़ों की जरूरत है मुझे कपड़े अता कर। अल्लाह अकबर सारी बातें करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं बुतों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता बुत कदे जवाब देते भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो पत्थर उठा के हाथ में लेके कहते हैं इन कुंता इलाहन फमना नफसक और मैं तुरा मार के सरोड़ा पन्ना आला कदे तू खुदा है ते अपने आप को ते बचा मुको तो रोटी न देती पानी न देता कपड़े न देते पैसे न देते बूट न देते और मड़ी मड़ा कोई काम न कीता मड़ा तो काम तो दो बस दफा आदमी दोए दा काम नहीं कर रखता वरे आपड़ा ते कर दे ना आपड़ा ते कर दे आपड़ा ते कर दे और बिल्ली भी अपनी हिफाजत करती है मक्खी भी अपनी हिफाजत करती है मच्छर भी अपनी हिफाजत करते हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक 4 साल की उम्र में उन खुदाओं को ललकार के कहते हैं इन कुंता इलाहन फमना नफसक कदे तू खुदा है और मैं तेरा बुथाड़ा मार के पन्ना आना आपा को बचाई आपा को अपने आप को बचा। अल्लाह अकबर पत्थर मारा बुत चूर चूर हो गया अल्लाह पे अंदर आया बाप ने आके पूछा अबू बकर ये क्या किया अबू मैं इसको लो रोटी मंगी इस न दे की पानी मंगिया इस न देता कपड़े मंगे इस न देते पैसे मंगे इस ना देते ते फिर मैं इसको आखिया कदे मुख कुछ ना देखता और लंतिया आपा को अपनी हिफाजत ते कर ना आपा को ते बचा मैं बटा बाद में मारे और पहले मैं इसको वार्निंग दे दिए इन कुंता इलाहन फमना नफसक
फरमाया अपने आप को बचा तो मुको कदे कुछ नहीं देता, मैं बर्दाश्त करके था, पानी ना देता मैं बर्दाश्त करके था, और कुछ ना देता मैं बर्दाश्त करके था। तो मैं आख चलो जना आपा को तो बचासी ना, अपना दिफा तो कर सी, और इस ते अपना भी दिफा ना कर गया, मैं बटा मारिया ए रेजा रेजा हो गया, चूर चूर हो गया। तो ए जे को पुकार दे, कितने साल की उम्र है बोलो? 4 साल की उम्र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाप ने थप्पड़ मारा, अल्लाह जदू जवाब नहीं आता तो लोग तफे मार दें, थे मुके मार दें, थे बटे मार दें, थे गला कर दें। दलाइल से जवाब न बन पड़ा, बाप ने थप्पड़ मारा। 4 साल की उम्र में अल्लाह की तौहीद की खातर बाप से पहला थप्पड़ खाने वाला सिद्दीक अकबर। अल्लाह अल्लाह, उम्र 4 साल है, तपा खादा तो उसका नाम क्या है बोलो यार? सिद्दीक अकबर है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज 22 जमादी उस्सानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का योम वफात है। अल्लाह ताला सहाबा इकराम के साथ कल क्यामत के दिन हमारा अशर फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।